नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम निवासी 53 वर्षीय लक्ष्मी नारायण साकुरे की कुएं में जहरीले गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई। पुलिस ने कुएं के अंदर से शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला को कायम कर मामले की जांच में। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जाम निवासी लक्ष्मी नारायण शाकुरी का खेत ग्राम डोहरा में स्थित है। वह खेत में धान रुपाई का कार्य जारी है। प्रतिदिन की तरह लक्ष्मी नारायण पिता चंदनलाल साकुरे बुधवार को प्रातः 7 बजे अपनी पत्नी के साथ खेत गया था और खेत में पानी चलाने के लिए मोटर चालू किया, परंतु मोटर ने पानी छोड़ दिया था। इसके बाद वह मोटर चेक करने के लिए नीचे उतरा तो कुएं के अंदर बनी जहरीली गैस के संपर्क में आने से वह नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी पत्नी घबरा गई और उन्होंने आवाज़ लगाई, किंतु आसपास कोई नहीं दिखाई देने पर उन्होंने अपने परिचितों को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। उसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणजन ने पहुंचकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस को घटना की जानकारी लगने के बाद वहां से पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से कुएं से अंदर से मृतक लक्ष्मी नारायण शाकुरे के शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहाँ चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर मामले की जाँच में जुट गई है। ये सुबह क्या है, इनका जाम से डोहरे में खेत है, सुबह खेत गए होंगे, मोटर पानी नहीं फेंकी करके कुएं में उतरे। कुएं में उतरने पर जो है कुएं में गैस जहरीली गैस थी, उससे वो कुएं में एक्सपायर हो गए। उनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी के द्वारा फिर वहाँ बताया गया खेत बाजू खेत वाले को, तो उन्होंने जाम फोन किए, फिर हम लोग सब गए और अभी वहाँ से फिर पुलिस वाले गए, उनके साथ में भी इसमें पोस्टमार्टम के लाए, यहाँ से ले जाने के बाद।